अभ्या की संजय लीला भंसाली की मूवी आ रही है 45 मिनट में खड़ा रहूंगा। आज भी बहुत मजा आने वाला क्योंकि आज मेरा होगा वीडियो सॉन्ग रिकॉर्ड और आप लोग वेट करें मेरे वीडियो सॉन्ग आने का क्योंकि बहुत मजे का। और ये वैसा नहीं होगा जैसा वो फिल्म थी क्योंकि ये हम लोग बहुत अच्छे से शूट कर रहे हैं। मेरी फ्रेंड ऐसा ही होगा नहीं जी, मेरी फ्रेंड भी घर आ रही है और हम लोगों ने मिलके शूट करना है दोनों ने। मैं मॉडल हूँ अंदर, मैं मॉडल हूँ ना तो इस दफा अच्छा होगा, पिछली दफा हेरा भी थी। ज्यादा तरक्की नहीं कर गई, कभी राबिया की मूवी आ रही है, कभी सॉन्ग आ रहा है जी, पता चले राबिया कहीं और जा रही है, पता चले राबिया की संजय लीला भंसाली की मूवी आ रही है, वो मजा आएगा, वो सही होगा, खुश होगी फिर आप आएगी देख ले 2024 में यही होना है मम्मा। क्योंकि सर ने ये कहा है कि आप खुद आ सकते हो तो मैं खुद आऊंगी, रात में भेजू। हीरा कितनी चलाक है, ये जहाँ पे अच्छी मॉडल बनना खुद बन रही है और जहाँ पे मेहनत वाला काम था सारा, जहाँ पे इसने खुद करनी है ना, गंद मारना है, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं वहाँ मुझे अभी भी सब भी करना है। दोस्त आ रही है, वो आके देखना कितने अच्छे से करेगी, उसको सारा है काम शाम इन चीजों का। मैं थोड़ी कमजोर हूँ ना और मेरे साथ ही कमजोर वाला आके करे। पापा पापा जी आपको पता है मेरा वीडियो सॉन्ग आया, आपको पता मेरा वीडियो सॉन्ग आया, 45 मिनट में खड़ा रहूंगा। 45 कहाँ खड़े हैं, कितने खड़े मैं नींद में था, मैंने क्या पता 45 कुंडी है मेरा, पता नहीं कितना टाइम है, रात को नींद में चलने की आदत है और पापा कल नींद में चल रहे थे गाइस, वीडियो शूट कर रहे थे। पापा जी कल आपने बुरा ख्वाब देख लिया, वाकई में ख्वाब नहीं उठाऊ पापा जी, मेरा वीडियो सॉन्ग आ रहा है खुश है और उसके अंदर फुल मैं एक्टर हूँ और फुल आपने टीवी पे वो मुझे सुनना भी है गाना, तो समझ आने के मुझे समझ आ रही है। हाँ पापा को आ जाओ, पापा का मॉडल ले लो, हाँ अंदर लड़का पापा को बना लेते हैं हम। लड़का नहीं हो सकता है, लड़की का बाप अंदर हम लेंगे थोड़ा बहुत। पापा ने कहा नो ठीक है, कह रहे अभी मम्मा पापा तो जा रहे हैं किसी काम से, पापा की ड्रेसिंग मैंने करवाई, कितने प्यारे लग रहे हैं, आज प्यारे लग रहे हैं पापा, अच्छे लग रहे हैं। मम्मा आपकी स्टाइलिस्ट है, मम्मा खुद स्टाइल नहीं किया, पापा को ज्यादा किया हुआ है, देखो मेरा भी स्टाइल है पूरा। हाँ मम्मा का भी अच्छा लग रहा है। पापा जो है ये लोग किसी काम के जा रहे हैं तो इनको हम जा रहे थे, मम्मा खाने में आज खाया, देखो इधर जाने से पहले आज मैंने सारी जिम्मेदारी अपनी पूरी की है। क्या बनाया आज खाने में, मेरी दोस्त आ रही है, तो कुछ मजे का मुझे चाहिए खाने में। चावल बना के ये देखो, ये मसर है, ये यमी है, और चावल चावल इधर रख दिए, ठीक है गाइस आज मेरी दोस्त को मसाला चावल खिलाएंगे, आज मजा आने वाला है। ये चावल में येलो येलो क्या है, ये आलू डाले आज नई रेसिपी से, चावल में आलू, हाँ बड़े मजे के बने हैं, वाओ जीरा और आलू वाले चावल, सिर्फ नमक डाला है, हाँ खाना मजे से। वैसे मसाला चावल तो अरीब की फेवरेट है, हाँ तो लेकिन वो लोग तो गाइस दुबई है तो हम लोग आज खुद ही उनकी याद में खा लेंगे, उनको वीडियो कॉल करेंगे खाते हुए, ठीक है अरीब को करेंगे, हम देखे मसाला चावल बना रहे हैं और खा रहे हैं, वो आने वाली है। मैं आज फुल अच्छा, ठीक है मैं आज फुल अच्छा तैयार होने लगी हूँ अभी क्योंकि सॉन्ग के लिए मुझे फुल पहले अच्छा तैयार होना, फिर उसके बाद हमने घर में ही शूट करना है, पहले मार्जन, ओके बाय अल्लाह हाफिज़, अच्छे से वीडियो बनाना, ना जाओ तुम्हें, ना जाओ ना जाऊंगा, चलो जा जा। ओके यार सो मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ तो फटाफट से मुझे भी रेडी होना है, मुझे फुल इन्फ्लुएंसर वाला फुल वो वाला ओवर रेडी होना है अभी, तो मैं ज्यादा सारा मेकअप करने लगी हूँ अपनी शक्ल पे, सो 1 2 3 ये इधर भेजा है ना, आपने तो जाना था आज, आप गई नहीं, जाना था अपनी दोस्त के साथ और ये सुबह 4 बजे की तैयार हुई और अभी 6 बज गए, उसकी दोस्त ने आई, अभी ऐसा ही होना चाहिए तेरे साथ, बहुत अच्छा हुआ, मामा पापा पता नहीं बाहर चल के अभी आने वाले हैं और यहाँ पे ये अपना ही व्लॉग देखे, जितना सेल्फ ऑब्सेशन चाहिए कि अपने आप का व्लॉग बना के अपने आप का व्लॉग ही देखो। तो खैर यार मैं अच्छा सा तैयार होने लगी हूँ फुल इन्फ्लुएंसर टाइप, ताकि मेरी जो लुक है वो फुल ज्यादा मेकअप वाली आए, पहले मैंने मेकअप वाली बनना है फिर उसको मैंने फुल उदास वाली बन जाना है क्योंकि मेरी दोस्त भी आने वाली है, तो चलो फाइनली मैंने मेकअप कर लिया खुद, मैंने बड़ा रेड लिपस्टिक लगाई है, साथ में आंखों में लेंस भी लगा लिया, ओवर मेकअप किया मैंने, ठीक है ऐसा मेकअप मैं नॉर्मल रूटीन में करती हूँ बट मैंने कहा आज कर लेते हैं ठीक है क्योंकि वीडियो के लिए। ये पता नहीं किससे अपनी दोस्त से वीडियो कॉल पर लगी है, हेलो दोस्त कैसी हो, स्टिल इससे आज जाना था, इसको कोई लेने ही नहीं आया और इसकी बेइज्जती है, तैयार होकर सुबह की बैठी हुई है। खैर मैं ये वाला जो है ना ड्रेस पहन रही हूँ ठीक है, तो ये पहनते हैं और फिर फुल हैवी ज्वेलरी साथ पहनते हैं, और बाहर मेरी दोस्त भी आ गई है ठीक है, अब हम जाएंगे किसी कैफे, वहाँ जाकर शूट वगैरह करना तो बहुत काम है यार,
ओके गाइस, सो फाइनली मैं फुल रेडी हो गई हूँ और मैं आपको अपना आउटफिट भी दिखाती हूँ। मम्मा मैंने देखे जरा मैं कैसी लग रही हूँ। मैं वापस भी आ गई हूँ, अभी तक तो कंप्लीट नहीं। ताकि वो ना थोड़ी ओवर लुक का है ना, इसीलिए यार। नेल पेंट तो क्या मेकअप किसने किया? नेल पेंट का क्या करूँ, गाड़ी में मेरी ब्लैक नेल पेंट पड़ी हुई है। मेकअप किसने? मैंने खुद किया है मेकअप। मैंने समझा हीरा ने किया है। नहीं नहीं, आज वो खुद परी बनी। मेरी दोस्त भी आ गई है गाइस, हमारी डर आज की कैमरामैन ये है। आज की वीडियो अच्छी बनेगी, शुक्र है। मैं खुद नहीं करूंगी आज का शूट। ओके गाइस, फाइनली मैं जा रही हूँ शूट करने, आके खाऊंगी। बाय, जल्दी आओ। चलो यार, अब लेट हो गया बहुत ज्यादा ऑलरेडी। और आप लोग मेरे वीडियो सुन के लिए ऑफ कोर्स एक्साइटेड होना। चलो हम लोग गाड़ी में बैठ के जाएंगे और हमारे ड्राइवर अंकल हैं, वो चला लेंगे। ये खुली ना दरवाजा। मम्मा यार गाड़ी का मसला आ गया, फातिमा को हमें छोड़ना पड़ेगा। ए लो हिरापी, आप हमारी ड्राइवर बनोगी प्लीज यार। इनको बोलो, इनको बोलो। मैं बोलती हूँ फातिमा को। हिरापी को बोल दो या फातिमा को बोल दो। हिरापी को कोई बोल नहीं रहा है। हमें ना फातिमा छोड़ी थी, लेकिन एंड टाइम पे उन्होंने ड्राइवर अंकल ने कहा कि हमें छोड़ देंगे, तो तुम वापस घर जाओ। फातिमा ने स्पेशल तैयार हुई, बाल ब्रश भी किया, बट अब फातिमा जाती जाती रह गई। चलो यार निकलो यार, मेरा बैग किधर गया? बाय। चलो यार बैठो 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 बैठो। और गाइस फाइनली हम लोग लोकेशन पे आ गए हैं, यहाँ पे हम लोग करेंगे शूट। और ये कितनी क्यूट क्यूट स्माइलीज बनी हुई हैं, तो देखते हैं ये परमिशन देते हैं कि नहीं शूट की। पहले ये पता लगवाना बहुत ज़रूरी है। तो यार ये वाली हमने लोकेशन सेट किया कि हम लोग यहाँ पर आकर जो है ना फुल अच्छा सा शूट करेंगे। ये ट्रीज के पीछे ये दरख्त है ना, और इधर बुशा जो है माशा से जाके ऑर्डर करना शुरू कर दिया इसने। भूख लग इतनी भूख, घर पर अला के मसल चावल बने, लेकिन जो भूख लग गई है, मेरा दिल करा कि मैं यहाँ से खाना खा लूँ, घर जाकर फिर से खाना खाऊंगी। वहाँ से वो कॉफ़ी ऑर्डर करी है। ओके यार, हमने थोड़ा सा वहाँ पर शूट किया है, अभी मेरे बाहर इन्होंने भेजा हुआ है, तो वहाँ से वो मेरा शॉट ले रही है। और ये मेरा दिल चाह रहा है मैं लिफ्ट में भी कोई अच्छा सा शॉट लूँ। ओके यार, इधर से तो हमारा फाइनली शूट खत्म हो गया है, अब चलते हैं हम लोग घर। अब घर जाके बाकी सारा शूट शुरू करें घर पर है, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि करनी पड़ेगी यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो अब घर चलते हैं। ओके गाइस, सो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। ये हम लोगों ने रास्ते से एक जगह से लाइट्स पकड़ी हैं, हमें इनकी भी जरूरत पड़नी है, बहुत मेहनत वाला काम पड़ा हुआ है। चलो हाँ, ये मैं पकड़ती हूँ। रुको चलो यार, घर में तो ऑलरेडी सारे सो गए, सारे सो गए, हम तो ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ये लोग तो बैठ के शायद लगता है मूवी शू भी देखें, तो हम लोगों ने तो शूट ऊपर ही करना है। ओके यार, सो अभी अंदर से पहले अंदर से बाहर, अगर इतनी ठंड लग रही है ना, हमें गाड़ी में एक शॉट लेना है, तो गाड़ी में आगे हम बैठेंगे, ठीक है, और आगे जो है ना जी क्या आप मुझे अपने ऑटोग्राफ दे दें, ऑटोग्राफ आए, आप मेरे ब्लॉग में आ जाए, अब आप फेमस हो गए हैं। ओके गाइस, सो फाइनली फिर से हम लोग घर आ गए हैं, और अब तो मुझे लगता है घर में सब सो गए हैं, सब सो गए हैं। डायरेक्ट ऊपर चलते हैं क्योंकि बाकी काम, और लेकिन खाना खाना है। कौन सा कैमरा? ओ ये पकड़ो, यहाँ पे खाना पड़ा मुझे यार, कब से मसाले चावल खाने थे मुझे। आओ पहले पानी पीते हैं, फिर चुप चुप के खाना लेते हैं। मम्मा एकदम से निकली हैं। मम्मा हमें खाना दे दे, बहुत भूख लगी, काम करके आई हैं बच्चे, प्लीज। अभी इतना पड़ा हुआ है, आप ये वीडियो सॉन्ग देखोगे, इसमें मैंने बहुत मेहनत की है। हो गया नहीं, अभी तो 20% काम है, पड़ा हुआ है इतना काम, खाना देने और उनको सारी रात काम करना है। हाँ, मोटे मोटे पीछे गरम कर दे और मोटे पीछे कितना चावल मिल गए, मैं और ये दोनों मोटे बराबर, मोटे मम्मा। ओके जी, एक्सक्यूज मी आंटी, बच्ची मम्मा तो कॉफियां पी पी के पतली होने की कोशिश करती यार, तो मम्मा ने हमें फुल अचार भी डाल दिया, ये दिल करे सारा ऐसे ही खा जाऊं। ये चावल मम्मा ने गरम कर दिए, और ये हम डाइटिंग है आपकी? नहीं नहीं, मम्मा डाइटिंग है आपकी, ये आलू डाइटिंग नहीं करते, मोटा करते हैं आलू मोटा मम्मा। एक गाय लेकिन मम्मा नीचे से बस पतली पीछे कर दिखाए, जरा पतली हो गई है। हाँ हो गई है, हो गई है, दोनों में लड़ाई हो रही है, दोनों में लड़ाई हो रही है। खैर हम लोग ये 24 वाले डोनट भी खाएंगे। फातिमा तो आधी रात, मैं परफेक्ट साइज हूं ना, मैं मोटी ना। पापा तुम क्या आधी रात को हमारे साथ आई हो? फातिमा ये तुमने 2024 के संभाले हैं, और अब तुम्हें हम दे रही हूं, ये हम ऊपर जाके खाते हैं दोनों। तो यार मैंने अपने कपड़े पकड़ लिए जो मैंने अब सैड मूड में पहनने, और ये खाना इसने पकड़ लिया है, और मैं अचार पकड़ लूंगी। ये हैप्पी मूड के कपड़े थे, ये मेरे हैप्पी मूड के फेक मूड के कपड़े थे, लग रहे हैं ऐसा किसी ने ये ड्रेसिंग कर सकती हो, ये पार्टी वेयर टाइप। हाँ कर लूंगी। पापा तुम क्या हमारा अचार ना खाओ, चलो फातिमा गला खराब हो जाएगा यार,
ये डोनट्स भी तो पकड़ो, केक्स भी पकड़ो। क्या गया तुमने प्यार सैलिन गिरा दी बस डोनट फार्मा तुम पकड़ लो, छोड़ के क्या है बाद में ले आएगी अभी तुमने। अच्छा ऊपर नीचे ही हो तुम, चलो बाद में खाते बाहर। ओके यार खाना खाएंगे फिर शूट करेंगे। और ये कंफी अपनी ये भी ना पकड़ लो ना, ये लड़कियों को कोई ख्याल नहीं है कि बहन की मदद करें, दोनों को बस चबड़ चबड़ करने की पड़ी हुई। तुम लोगों को पता है उन्होंने मुझे लंबी एक्सटेंशन मांगी, लंबी एक्सटेंशन का साइज देखो साइज तो चेक करो। इसका फायदा ही नहीं है कोई यार, खैर हमने एक लाइट बाहर लगाई और वैसा लग रहा है कि दिन हो गया बाहर फुल। यार असल में ना हमारे घर पे ऐसी लाइट लगनी चाहिए ताकि फुल रोशनी लगे, फिट आ रही है ना। मैं यहाँ से चलती हुई आऊंगी ना, डेड एक्सप्रेशंस। ओके यार सो इधर हमने पूरा गंद डाल दिया, कहा कि रूम को गंदा करना, बट मैंने कहा हमारा रूम तो ऑलरेडी गंदा होता है, इसके डिजाइन करने की जरूरत है, सारा गंद ऑलरेडी आया हुआ है इधर। और ये हमारा कैमरा मैन कैमरा पकड़ के खड़ा है, मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो बस आराम से बैठी हूँ, ये मेरा शूट कर रही है। गो ओके यार सो अभी जो हमारा सीन है वो हुआ फुल रोने वाला, जिसमें मैं इतना रोई हूँ और ये हमारी जो कैमरा मैन है फुल मेरे अच्छे से शॉट्स ले रही है। मैं पता कैसे रोती हूँ, आप लोग जब वीडियोस देखेंगे ऑफ कोर्स आप लोग एक्साइटेड होंगे, बहुत मज़े का आने वाला है और मैं वो अलग से अपलोड करूँगी, तो ये व्लॉग के बाद अलग से अपलोड करूँगी हमारा शूट करिए। और ये लड़की इधर खड़ी हुई जेलस हो रही है हमारे सेट से, अब हमने अगला ये सेट लगाया है। जेलस क्यों हो रही हो, सारा किसने सारा सेट किया, आपने कमेंट में बताना ये वाली क्यूट मॉडल है या राबे। मेरे फैंस अगर है तो मुझे नहीं यार, दोनों बहनें हैं तो दोनों मेरी मॉडल आज की राबे। हाँ आज की मैं हूँ ना, मैंने मजाक करी थी, कोई मसला नहीं है। शोखी शोखी उठ जाए यहाँ से, चल मैं हूँ यहाँ पे अभी इस टाइम, तो मैं इस तरह बैठ कर यहाँ से शूट करूंगी और ये हमारी मैडम शूट करेंगी। यहाँ से एक लाइट आ रही है और ये जेलस हो जा रही है। भूत भी है जो कि किचन में पीछे तुम्हारा साया बन के शैडो बन के खड़ा हुआ है। हो पीछे तुम्हारे भूत है उषा, बंद करे जा 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 ठीक है आउट, सेट से निकाल दिया मुझे, कह रहे आउट आउट मतलब आउट। प्रोडक्शन से आया हूं, ये बंदा प्रोडक्शन से आया और हमें खाना देने आया है यहां पे। प्रोडक्शन कुछ अच्छा सा निकाल लो, मेरे लिए भी ले लो, ले लो ले लो कुछ अच्छा सा ले लो। यार इधर हमने इतना कचरा फैलाया है प्रोडक्शन डिजाइनिंग में, यहाँ पे सारा गंद फैलाया हुआ है, सिर्फ इस लड़की ने फैलाया सारा। और ये कचरा कचरा ये भी कचरा, सुबह उठ के देखना मम्मा ने जो हमें डांट लगाई। मैं सफाई कर रही हूँ, ये नहीं कर रही। मैं भी सफाई की है यहाँ से, जो मॉडल होती है वो सफाइयाँ नहीं करती। खैर अब हमारे पास एक शॉट रह गया जो हमने सीढ़ियों पे लेना है, ठीक है। सीढ़ियों पे मैं बैठूंगी और ऊपर से शॉट लेगी ये, तो वो बस हो रहे फिर हम सोएंगे। सारे घर वाले हमारे सो चुके हैं इस टाइम, बस हम रह गए। इधर भी ये बड़ी लाइट रखी हुई है, ये सारा सामान बिखरा पड़ा है। इधर हमने शूट किया था, ये तो खैर सही, ओह बहुत गंदा है। ओके गाइस फाइनली हमारा शूट खत्म हो गया, पैकअप हो गया, अब हम लगे सोने। तो आज ये मैडम मेरी तरफ ही रुक रही हैं क्योंकि टाइम इस टाइम रात के 6 बज रहे हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं। सो आप लोगों को अच्छा लगा लाइक करें शेयर करें कमेंट करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।